वैवाहिक बलात्कार मैरिटल रेप अर्थात पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाना। दिल्ली हाई कोर्ट में विभिन्न याचिकाओं पर उसमें आईईटी फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन, बलात्कार की धारा 375 की उपधारा 2, पति का पत्नी के साथ संबंध बनाना रेप नहीं है यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक है, इस अपवाद पर याचिका दायर की गई। 11 मई 2022 को जस्टिस सकधर ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इस कारण पति द्वारा पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाना अपराध है और उसे सजा देनी चाहिए। इसी बेंच के दूसरे जस्टिस ने कहा कि मैरिटल रेप से किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता है, इसलिए पति को सजा नहीं दी जा सकती है। आइए जानते हैं दुनिया के कितने देशों में मैरिटल रेप है अपराध। 1922 में सबसे पहले सोवियत संघ ने इसको अपराध घोषित किया, 1932 में पोलैंड ने, ब्रिटेन ने 1991 में और अमेरिका ने 1993 में मैरिटल रेप को क्राइम घोषित किया था। 2019 तक दुनिया के 150 देश इसको क्राइम घोषित कर चुके हैं। भारत समेत केवल 34 देश बचे हैं जिन्होंने मैरिटल रेप को अपराध नहीं घोषित किया है। मैरिटल रेप और भारतीय कानून, पत्नी की सहमति के बिना संबंध बनाने से ही मैरिटल रेप कहा जाता है। आईपीसी की धारा 375 के जरिए रेप को अपराध माना जाता है और 375 की धारा 2 इसका अपवाद है। इसके अनुसार मैरिटल रेप अपराध नहीं है। भारत में पति का पत्नी की सहमति के बिना उससे सेक्स करना अपराध नहीं है अगर पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक है। 2017 में केंद्र सरकार ने कहा था कि मैरिटल रेप का अधिकरण भारतीय समाज में विवाह की व्यवस्था को अस्थिर कर सकता है, जबकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं जुलाई 2021 में केरल हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप को अपराध मानने से इनकार किया, हालांकि इसको तलाक का वैध अधिकार माना था।